Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Because your exams are coming near, so revise everything properly. Okay, let us begin today. Articles. Okay. The is used. The is called the definite article and a and the indefinite article. Definite article and indefinite article. So the is used with definite article and a and the indefinite article. A is used before a word that begins with a consonant. Student, consonant कितने होते हैं? 21 होते हैं consonant. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट. तो इट मीन्स है कि बिगिन विद द कॉन्सोनेंट, कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से बिगन है, जैसे कि बॉय या फिर गर्ल, बॉय, गर्ल, बुक, नोटबुक, फैन और टीवी, एनीथिंग में भी, तो जो कॉन्सोनेंट से वर्ड्स बिगिन है उनके पहले हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे. ओके, आगे क्या है? इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल, अगर कोई वर्ड वोवेल, वोवेल कितने होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवेल्स. अगर इनसे भी बिगिन है तो, बट उसके साउंड कॉन्सोनेंट की है, जैसे कि वन. अब ओ तो वोवेल है, बट साउंड कैसी? वे की साउंड है, वे की साउंड है, इसलिए क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे. ओके, यूनिट. अब यूनिट में यू वर्ड इज, यू इज वोवेल, बट साउंड क्या है? यू है साउंड, यू. जैसे यूजफुल, तो स्टूडेंट यूजफुल में यू वोवेल है, बट साउंड किस चीज की है? यू की. तो ऐसे ही कोई सी अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड है तब हम क्या यूज करेंगे? ए. और वोवेल की साउंड है तो हम यूज करेंगे ए. ओके, कॉन्सोनेंट है तब भी ए, और कॉन्सोनेंट की साउंड है तब भी ए. नेक्स्ट इज एन. एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वोवेल. अब वोवेल कितने होते हैं? मैंने अभी आपको बताया 5. जैसे इनसे अगर कोई वर्ड बिगिन है तो हम यूज करेंगे एन. अब आउल, एन एप्पल, आई, इंकपॉट, अम्ब्रेला, ये जो वोवेल से बिगिन है, बट साउंड भी वोवेल होनी चाहिए, साउंड भी वोवेल की होनी चाहिए. उसने क्या कहा कि एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद अ वोवेल साउंड, इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट. अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट भी है और साउंड वोवेल की आ रही है तो हम एन यूज करेंगे, जैसे कि एन आवर. अब आवर में देख लीजिए, एच कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसकी है? आर की साउंड है, आर की. ओके, एम पी, एम, एम, एम की, ए की साउंड है, साउंड है कॉन्सोनेंट बट साउंड किसकी? ए की, एम. तो क्या यूज करेंगे? एन. एम एल ए, एम ए, एन एम ए, ऐसे यूज करेंगे. ओके, द इज यूज बिफोर बस स्टॉप बिकॉज देयर इज ओनली बस स्टॉप. इट मीन्स ये है कि जितने भी यूनिक थिंग होती है
वन थिंग होगी जो आप जानते हैं इस संसार में वन है, जैसे कि स्काई, स्टार्स, क्लाउड्स, गंगा, यमुना, हिमालया, द एवरेस्ट, द न्यूज़पेपर, द रामायण, द गीता, जितनी भी यूनिक थिंग्स हैं उनके जैसा कोई नहीं है। तब हम क्या यूज करेंगे उनके लिए? द यूज करेंगे। द इज यूज्ड फॉर यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स के लिए द यूज करेंगे। और बिफोर सुपरलेटिव भी हम यूज करेंगे। सुपरलेटिव कैसे? स्मॉलेस्ट, तो द स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट, शार्पेस्ट, बिगेस्ट और फार्देस्ट, नियरेस्ट, ये क्या EST, इनके लिए ये क्या हुई? सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स? 3 degrees होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री हैं उनके पहले हम द यूज करेंगे, स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट, फार्देस्ट और लॉन्गेस्ट, इन सब के पहले क्या यूज करेंगे? द। ऐसे ही द उन चीजों के लिए भी यूज करेंगे जैसे कि जो यूनिक है। AN used only with countable and with uncountable nouns, not with uncountable nouns. A और N को हम, ये स्पेशली नोट है कि A और N को हम ओनली countable चीजों के लिए ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि A pen, तो pen count हो सकते हैं, 2 pens है ना, 2 pens कह देंगे। बट अब uncountable जैसे कि water है तो A water थोड़ी कहेंगे, नहीं नहीं कहेंगे ना, आ मिल्क कहते हैं कोई, गिव मी आ मिल्क, ऐसे क्या एक दूध क्या हुआ, नहीं हुआ ना कुछ भी, यस। तो ऐसे ही अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम ना ए और एन यूज नहीं करते। किन के लिए यूज करते हैं? ए एन यूज करेंगे हम ओनली काउंटेबल थिंग्स के लिए। जैसे अनकाउंटेबल में क्या आ गई? सुगर, राइस, व्हीट, ऑयल, वाटर, पेट्रोल, सैंड, ओके, स्काई, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल में आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट काउंटेबल क्या है? पेन, चेयर, फैन, फोन, मार्कर, ये जितनी भी चीजें काउंट हो सकती हैं उनके पहले हम क्या यूज करेंगे? ए एन। डू अंडरस्टैंड? ए एन एंड द। अब डिटेल में चलेंगे द। नाउ वी विल सी द रूल्स ऑफ यूजिंग आर्टिकल्स। द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रेफर टू अ होल क्लास और ग्रुप। जैसे हम नहीं कह देते कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो द डॉग मीन्स एक डॉग के लिए नहीं कहा गया, पूरी डॉग की कास्ट के लिए कहा गया। द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, रिच आर, द रिच आर वेरी सेल्फिश, ओके। तो रिच का मतलब जितने भी रिच है दुनिया में, पुअर मीन्स जितने भी पुअर हैं दुनिया में, एक के लिए मीन्स पूरी कास्ट के लिए यूज किया गया। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, या माई फेवरेट फ्लावर इज द रोज, तो द रोज, अब हम एक रोज के लिए थोड़ी कह रहे हैं, जितने भी रोज हैं वो क्या चाहे ब्लैक हो, पिंक हो, रेड हो या वाइट हो, कैसा भी रोज हो, सबके लिए क्या यूज करेंगे? द। बिफोर एन एडजेक्टिव टू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अब जब एडजेक्टिव यूज करते हैं हम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तब कैसे यूज करते हैं? द ओल्ड पीपल, अब पीपल 2 पीपल हो, 4 पीपल हो, किसी के लिए भी द यूज करेंगे, द ओल्ड पीपल। द यंग, द यंग बॉय, द यंग गर्ल, द रिच, द पुअर, ये तो हुआ एडजेक्टिव। क्वालिटी बता दी, पुअर, रिच। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? द। द वीणा, द गिटार, द किसितार, द फ्लूट, द तबला, द ढोलक और द बांसुरी, ओके। तो सबके आगे क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ऑल नेम ऑफ रिवर्स, जितने भी दुनिया भर की रिवर्स हैं दुनिया में, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द यमुना, द कौशाम्बी, एनी रिवर। न्यूज़पेपर्स, द अमर उजाला, द दैनिक भास्कर, द दैनिक जागरण, ओके, सब न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं। होली बुक्स,
जितने भी हमारी होली बुक्स हैं, द रामायण, द गीता, द बाइबल, कोई भी कास्ट की हो, कोई भी रिलीजन की हो, ये जरूरी नहीं है कि रामायण के लेकर केवल यूज करेंगे, द बाइबल, द कुरान, किसी भी होली बुक के लिए यूज करेंगे। माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स हैं, द हिमालयाज, द कंचनजंगा, जितने भी द एवरेस्ट, उन सब माउंटेन्स के लिए यूज करेंगे। हिल्स, द अरावली हिल्स, ओके, ऐसे हम क्या यूज करेंगे, हिल्स के लिए भी द यूज करेंगे। डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। एंड प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के लिए द नेपच्यून, द प्लेटो, सबके लिए क्या यूज करेंगे, द। अब ए एन कहां पे यूज करेंगे, इन सेंस ऑफ वन, ए यूज करेंगे एन वन के लिए ओनली। जब एक ही चीज के लिए, आ पाइन एप्पल एक है, वन है, आ डजन बनानास, अब डजन बनानास, डजन तो 12 होते हैं, बट बनानास कितना हुआ, 12, एक हुआ ना, एक दर्जन, ओके, इसलिए हमने डजन भले ही है, 12 भले ही है वो, बट क्या है, एक दर्जन है, ओके, आ डजन है, इसलिए हमने क्या यूज किया, आ, यहाँ पे बनानास है, प्लूरल हो गया, ओके, बनाना एक नहीं, बहुत सारे हो गए, प्लूरल 12 हो गए, बट हमने एक दर्जन है इसलिए यूज किया। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ओके, ग्रेप्स तो बहुत सारे हैं, बट गुच्छा तो एक ही है। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स में नहीं है, बट बकेट कितना, वन ओनली। टू टॉक अबाउट प्राइस, स्पीड एक्सेट्रा, प्राइस, द प्राइस बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए, किलोमीटर। नेक्स्ट इज पोटैटोज आर 20 रुपीज आ किलो, oranges are 30 rupees a kilo, melons are 20 rupees a kilo, okay, to uske price batane ke liye. To say what somebody or something, koi kya hai, uski post kya hai, wo kya karta hai, ye sab bhi batane ke liye hum a use karenge. An engineer, my brother is an engineer, your father is a doctor, your father is a farmer, my father is a teacher, okay, a clever boy, that boy is a clever boy, that is a clever boy, she is a nice girl, that is a bad girl, a use karenge, okay. Next, student, kuch cheeze aisi hoti hain jinke liye hum da use kar dete hain, but kahan pe an use karte hain, जैसे कि बट वी यूज ए एन इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, वैसे तो हम द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर बोलते हैं, बट जब उनके पहले एडजेक्टिव हो, बिफोर एडजेक्टिव, ब्रेकफास्ट से पहले, तब हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ, तब क्या यूज करेंगे, आ यूज करेंगे, आई हैव अ टेस्टी लंच, आई हैव अ स्वीट मिल्क, सॉरी, आई हैव अ ग्रैंड फीस्ट, आई हैव द मेलोडियस लंच, ओके। तो जब हमने लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके पहले एडजेक्टिव यूज किया, तब हम क्या यूज करेंगे, आ, अदरवाइज क्या यूज करेंगे, द, ओके। तो दीज आर योर आर्टिकल्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, स्टे होम, स्टे सेफ।